हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे आपके सामने बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6.12 की। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका नीचे है तो अपन पहले नीचे चलेंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ बार 20 mm डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर दिया है, इज सब्जेक्टेड टू पुल, यानी कि एक्सियल लोड भी दे रखा है उन्होंने यहाँ पे 60 kN। द मेजर एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.09, यानी कि उसकी लेंथ तो आपको 200 mm दे दी और उसका एक्सटेंशन उसने दे दिया 0.09। आगे बोलते हैं कि चेंज इन डायमीटर इज 0.0039 mm, यानी कि उसने चेंज इन डायमीटर भी दे दिया। और सिंपल तरीके से देखिए, उसने क्वेश्चन के अंदर चेंज इन लेंथ भी दे दी, ओरिजिनल लेंथ भी दी, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। क्लियर? उसने चेंज इन डायमीटर दे दिया, ओरिजिनल डायमीटर दे दिया, तो मैं लेटरल स्ट्रेन में निकाल सकता हूँ। जब मैं ये दोनों निकाल लूंगा तो मैं पॉइजन रेशियो भी निकाल सकता हूं कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंपल। तो जब ये मेरे पास निकल जाएगी तो उसके आगे उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो एंड द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ 3 मॉड्यूलस या मॉड्यूलाई बोल सकते हैं, कि आपको अगर पता है तो आप इन तीनों मॉड्यूलस की वैल्यू बताइए। वो तीनों कौन से मॉड्यूलस है? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, EKG की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैंने आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर दिया कि पहली चीज कैसे निकलेगी, बाकी की चीजें मैं आपको दिखाता हूं। अपन नीचे आ जाते हैं, अपन नीचे आते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकलेगी, सिंपल है। उसने चेंज इन लेंथ दे रखी थी आपको 0.09, ओरिजिनल लेंथ देखी थी उसने 200। तो यहां से मेरी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी वो निकल के आ गई कितनी, 0.0045। क्लियर? या मैं लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल भी। लेटरल स्ट्रेन मेरी कितनी निकली, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर मेरे पास 0.0039/30, तो वैल्यू निकल के मेरे पास 0.0013। जब मैंने आपको बताया कि लेटरल ओवर लीनियर करूंगा तो मेरे को पॉइजन रेशियो की वैल्यू मिलेगी, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेरे को मिल रही है 0.289। सिंपल। तो मेरा पहला आंसर आ गया है। अब उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे रखा था, तो अगर मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है तो मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि आपको होता है कि चेंज इन डिफॉर्मेशन इज इक्वल PL ओवर AE। तो मुझे लोड पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है π/4d² और यंग्स मॉडुलस यहां से निकल जाएगा क्योंकि मैं ये निकाल चुका हूं। तो मैंने वही किया, फॉर्मूला लगाया यहां पे PL ओवर AE चेंज इन लेंथ की फॉर्म में। चेंज इन लेंथ मुझे पता है यहाँ पे 0.09 है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.09, तो वैल्यू आ गई। लोड उसने 60 kN लगा रखा, तो 60 × 10³ लगा दी। लेंथ उसने 200 mm दे रखा था, तो 200 mm लगा दिया। एरिया मैंने भी π/4d² से निकाला 706.9, और ई मेरा अननोन था तो मैंने अननोन को लिख लिया, वैल्यू को चेंज किया, और जब यहां से वैल्यू निकल गई मेरी 188.9 GPa। तो यहां से मेरी E की वैल्यू निकल के आ गई है। जब E की वैल्यू निकल के आ गई तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, मैं यहां पे इसको रख करके लिख देता हूं। क्या था फॉर्मूला? E इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर 1 + μ। तो आपको E पता है, E कितना है आपके पास 188.9, 2 × g की वैल्यू मुझे निकालनी है, 1 + μ 0.289। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, इसको आप जोड़िए 1.88.9 2g 1. कितना हो जाएगा ये 289, मल्टीप्लाई करिए, इसका डिवाइड दे दीजिए, आपके पास यहाँ पे g की वैल्यू निकलेगी, यानी कि c की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे c की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी निकली है, देखिए यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखिए यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं वो 73.3 × 10³, और उसने उसको इक्विवेलेंट कर दिया 149 GPa। हाउ कैन दिस पॉसिबल? यहाँ पे जो वैल्यू है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मैं लिखूंगा, यहाँ पे कितना मेगा पास्कल, 10³ है तो वो गीगा पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो गलत है, वो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 73.3 GPa। तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा सिंपल तरीके से। अब मैं आता हूं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, तो वो दूसरा फॉर्मूला है ई इज इक्वल 3K 1 - 2μ। तो ये फॉर्मूला है, E की वैल्यू आपको पता है 188 point something थी, कितनी थी 188.9, 3K मुझे निकालना है 1 - 0.289, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 का, तो बस आप इसको सॉल्व करना और आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी 149.2
गीगा पास्कल। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे जो वैल्यू थी नीचे वाली वो उसको ऊपर लिख दिया है, तो इसने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी। तो आंसर ही सारे आ गए आपके पास कि ई की वैल्यू भी आ गई आपके पास 188.9 गीगा पास्कल, आपके सी या जी की वैल्यू भी निकल के आ गई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की 73.3 गीगा पास्कल, और यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू भी निकल के आ गई कितनी 149.2 गीगा पास्कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।